जान ना सुई ये बहन तो इन्हें धोमा चित्रों उठा लियो जाती पे वोट आवा जब जाती वो जाती फलानो काम ढेको काम ये हो रोक ना हो रोक तो कांग्रेस ठीक है। राहुल गांधी चूतिया मरता बता रहा चूतिया नुहे को बाकी वक्त खराब है वक्त पाको बल्टे को कायदे ना कायदे हकीकत तो यू है हम कांग्रेस के साथ है कांग्रेस साथ रहेगा गांव को सरपंच के पूरा मानसन मरवा रहे जगह जगह कोई दिक्कत बीजेपी सब मानसन मरवा रहे मनमानी कर रहे मकान तुड़वा रहे और देश भी चलवा रहे जगह जगह कहाँ चल रही है हमारा खानपुर में आज सर में होली आज देश की जगह पार्टी के पास मनमानी हो रही अवैध कहेंगे हमारे इनका कहा बाप मामले को हमारा पहाड़ है हमारा जंगल हमारा गाँव कहाँ को दिया है तरफ हमारा है तो जनरल बाहर हमारा अपने बच्चों को लेकर पढ़ाए वहाँ मान रहे वो सरकार की जमीन सरकार की थी सारी जमीन नहीं सारी सारी ले ली सरकार हमने हम भी सरकार भगा दिया यहाँ से अपने अंडर ले लिया सारी जमीन को भाई एक अपने बच्चों को लेकर वहाँ पड़ा हुआ है उसके पास कोई आसरा है नहीं उस वाकई वहाँ अगर जो वो सरकारी जमीन खाली कराता है तो उसको फ्लोट दे कहीं सही बात हिसाब की बात है लेकर कहाँ जाएगा वो गरीब कहाँ जाएगा गरीब बात यहाँ भी हटाओ ये भी अरे अवैध कहाँ से ले आए इन्हें कहाँ से बरस गया आया हुआ हूँ खानपुर विलेज के अंदर और यहाँ पर इनकी मनसा जान लेते हैं अब की बार किसको चुनाव जिताना चाहते हैं किसको हराना चाहते हैं तमाम जानकारी मैं इस वीडियो के तहत देने वाला हूँ। इस वीडियो के साथ बने रहिए अगर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे चैनल को करते सब्सक्राइब ताकि इस तरह की जो तमाम हम लेटेस्ट खबरें डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो आइएगा मेरे साथ में यहाँ पर ग्रामीण भाई काफी बैठे हुए हैं काफी लेटे हुए हैं क्योंकि रोजे का समय है और रोजे के समय पर यहाँ पर देख सकते हैं विश्राम कर रहे हैं लेकिन हम चुनावी चर्चा करते हैं कि लोकसभा के चुनाव काफी नजदीक है अब की बार क्या कहती है इनकी मनसा किसको प्रधानमंत्री बनता हुआ देखते हैं। यहाँ पर हम बात करें अलवर क्षेत्र की तो अलवर क्षेत्र के अंदर यहाँ पर दो कैंडिडेट है एक तो है भूपेंद्र यादव जो कि भाजपा से है और दूसरा है वो है ललित यादव जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है। हम जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं थोड़े से पास में आ जाइए भैया आपका नाम जानना चाहेंगे थोड़ा सा तेज बोले अब्दुल है मेरा नाम अब्दुल खान साहब क्या कुछ लगता है अब की बार लोकसभा चुनाव में लोकसभा में भाई नहीं अभी कोई आए गए ना अभी खबर अभी चर्चा है लोग वागत कांग्रेस दांगा ही सुधर चले सीबीसी बूढ़ो जी दादी हुई सु नहीं तो कांग्रेस जाएगी बात भाई आपने विधानसभा चुनाव में तो बाबा को पार कर दिया लेकिन हम बात करें अब लोकसभा चुनाव नजदीक है एक महीने से भी कम वक्त बचा है ऐसा किसको जिता रहे विवाद पे तो कांग्रेस जीतेगी एक पूरे ऐसा क्या कारण है ऐसे एक कारण ये है कि तो आप बार गुलार खड़ो कर दियो 5 साल तो बालकनाथ रहो वाले काकर अपने ही लडोर भवर रहो तुम्हारे भवर में काम तो कराए कुछ भाई 5 साल में बाबा जी 10 साल रहो 10 साल में बाबा काकर सिकल ना दिखाई गांव के अंदर अभी लोकल आदमी है डीडी को आदमी है फिर बाहर को कर दियो भूपेंद्र अभी तो बाहर को ये कोर्स आएगा ही दिल्ली जाएगा सीटों छोड़ो है ये वोट देंगे अच्छा युवा है इस वजह से वोट देंगे युवा है अपने क्षेत्र का नेता हो जाए लोकल आदमी है मेरे साथ में बाबा साहब भी है बाबा साहब क्या नाम है अपना जाकिर जाकिर ऐसे बोलो किसको वोट दे रहे हो मरते दम तक कांग्रेस ललित लोग ललित को तो ललित ने कौन सी घूंटी पिलाई है आपको कौन सी पिलाई बीच में रहे अभी बुला ले भी आ जाए वो भाजपा का प्रत्याशी वो नहीं आएगा वो तो अजमेर को कहा तो यहाँ लड़ा वहाँ बाबू लड़ा जो बालकनाथ बालकनाथ की सिकल ना देखी सकल ही नहीं रही ना सिकल ना देखी नहीं तो 100% भी वोट कांग्रेस हमारो काम का एसी का भी जाएगा एसी का भी साथ जाएगा प्लस हमारो काम तो एक ही मोहर कांग्रेस कांग्रेस जाएगा सारा इलाका लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है खान साहब कि इधर भी यादव है बीजेपी में और कांग्रेस में भी यादव है तो क्या कुछ होगा नया भाई साहब ऐसा होगा अगर कुछ वोट छिना लिया यादव उनमें से जीत आसान है आराम से अलवर में अगर वोट कम हारता है मैं मान रहा हूँ ये बात है मैं ऐसे छूटिया थोड़ी देर अलवर में हारता है 10-20 हजार वोट उनसे तो अगर अहिर का वोट कुछ छिना लिया तो जीत जाएगा आराम से कोई दिक्कत नहीं है राजगढ़ साइड तो कोई दिक्कत ही ना है उधर मेवात में कोई दिक्कत नहीं मेवात पूरा ललित की तरफ है ललित तरफ है मेरे
थोड़ा सा खड़े हो जाओ साहब और बैठाओ। यहाँ पर मेरे साथ में काफी ग्रामीण बुजुर्ग मौजूद है, आपका भी नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है, किसको जिताना चाहेंगे अब की बार? कांग्रेस। कांग्रेस को क्या कारण है कांग्रेस के अंदर? यही कारण है, वो बाहर ही उर्दू सा बीजेपी वाला तो यही का है, यही का है, काम कर रहा है, लोकल है तो। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी यादव है ये भी यादव है? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई भूपेंद्र यादव तो मोदी के करीब है। हाँ तो करीब तो होएगा, वो अब पहले सांसद है, पहले करीबी तो है ही वो मोदी का, लेकिन उससे भी तो वोट उसको मिलेंगे ना, वासना मिला उससे नहीं मिलेंगे, मोदी का करीब मिलना मिला वोट। आज मैं आपके गांव के अंदर आया हूँ और रोजे का महीना चल रहा है, आप सही बताना कि आपकी मंशा क्या है, कि वास्तव में ललित के साथ है या फिर भूपेंद्र यादव के साथ? वास्तव में ललित के साथ है, फजल आ जाए जब भी, हम ललित के साथ है भाई। ऐसा कुछ सुनने में भी आ रहा है कि भाई फजल भी लड़ रहा है चुनाव, इसी कौड़ी भी ऐसा क्या कर दिया फजल ने? हरान को आवे कांग्रेस तो पैसा खाने आए बीजेपी का पिट्ठू है फजल। पंडित जी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी आगे ये जाना इनको काम जाने, सीधी बात है, हम अलवर जिला से अपना कांग्रेस का प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि भाई कांग्रेस प्रत्याशी अगर जीत जाता है, अंदर अब भी नहीं जीतेगा तो जीतेगा ही नहीं? अगर जो कांग्रेस प्रत्याशी जीतता है तो क्या आपकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा? बिल्कुल निकालेगा, करेगा। आपकी समस्या बताइए क्या है? हमारी समस्या तो यही है, हम तो रहे हैं तो हाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटो मोटो काम हमारे तो जमींदार आदमियां पानी पात को बिजली बाली को यही काम हमारे तो, कोई काम ना ज्यादा करके कोई छोटी मोटी कोई नौकरी लगवा दिए जैसे ही बैठो या अगर टमाटर बिक जाए ठीक ठाक हमने तो कोई दिक्कत रहा है। ये बात है भाई पंडित जी, यहाँ 5 बोरिंग हमारे गाँव में हो चुका, वो गहलोत की योजना ही वन जो पहले ही करी वो योजना हमारी अब चल रहा है, काम चल रहा है, पानी बोर होगा, पानी की व्यवस्था हमारे पानी की कमी है यहाँ या बास में, लेकिन गांव में पानी हो गई, अब झूठ भी क्यों बोला हम, जब पानी हो ही गए तब, लेकिन वर्तमान में स्थिति और मगा दी हुई है तो बड़ी बात है। हम तो आपको क्या ऐसा लगता है ललित जीतता है तो नहर आएगी? आएगी, अब ना आए तो गहलोत आएगा फिर आएगी, आनी आए तो। आप क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब? किसान को कर्जा माफ करवाए को ललित जीत पे का कह रहा को वा तो राहुल ने कर रहा को वा, जैसा कि वो महिलाओं के प्रति भी कह रहे हैं, जैसा मोदी कहता है कि भाई मोदी की गारंटी योजना तो आया ना, काज भी आया नहीं। और दूसरी बात ये, एक बात बता, जाति में लड़ा लड़ा के देश बर्बाद कर दियो, नु बताओ एक बात बताओ, ये अच्छी बात है का? नु बताओ एक बात है, खून काट के देगा अगर तुम काली करो मुंह में काली करेगो, जान ना सुई ये बहन तो इतने धोमा चित्रों उठा लियो, जाति पे वोट आवा जब जाती हो जाती, फलाणो काम ढेको काम ये हो रो ना हो रो तो कांग्रेस ठीक है, राहुल गांधी चूतिया बनता बता रहा, चूतिया नुहे को बाकी वक्त खराब है, वक्त पाको बलते को का इधर का इधर, हकीकत तो यू है हम कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस साथ रहेगा पूरा जोर लगावे, तन मन से ललित की वोट दिवांगा और देंगा। यहाँ पर देखो मैं आया हुआ हूँ खानपुर विलेज के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ में यहाँ पर गांव के मुखिया बोलते हैं जिसको सरपंच साहब बोला जाता है, वो यहाँ पर थे जो अभी आप थोड़ी देर पहले इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे थे। और देंगे भाई यार मोदी ने तो बस मामला सारा खराब कर दिया, ऐसा क्या कर दिया? अरे यार दिख रहा है तो वो काम कर रहा है, मानसन मरवा रहे जगह जगह, कोई दिक्कत बीजेपी सगड़े मानसन मरवा रही, मनमानी कर रही, मकान खुलवा रहे और देश भी चलवा रहे जगह जगह, कहाँ चल रही है हमारा खानपुर में आज सर्वे हो रही है, आज पार्टी मनमानी हो रही है, अवैध कहेंगे हमारे इनका कहा बाप मामले, हमारा पहाड़ है हमारा जंगल हमारा गाँव हमारा है, तो जनरल बाहर हमारा है, अपने बच्चों को लेकर पढ़ाए वहाँ मान रहे, वो सरकार की जमीन, सरकार की सारी जमीन है, सारी सारी ले ली सरकार, हमने हम भी सरकार भगा दिया यहाँ से अपना अंडर ले लिया सारी जमीन को, भाई एक अपने बच्चों को लेकर वहाँ पड़ा हुआ है, उसके पास कोई आसरा है नहीं, उसको वाकई वहाँ अगर जो वो सरकारी जमीन खाली कराता है तो उसको फ्लोट दे कहीं, सही बात है, कहाँ जाएगा वो गरीब, कहाँ जाएगा गरीब,
यह भी हटाओ, ये भी अरे अवे कहाँ से लाया, इन्हें कहाँ से बरस गया हुआ भाई, है तो ये गाँव वाला की बीजेपी कहाँ से ले जाओ, ये कहाँ से लेकर आई है, कोई कहने वाला ना। अरे कांग्रेस ने आप थोड़ी कुछ ना करो, बेचारा ने कोई परेशान ना करो, कांग्रेस ने आप थोड़ी इन्हें तो हरदम बचाना खोज, ये तो विकास के नाम पर गारंटी दे रहे हैं बीजेपी वाले। अरे इधर ये तो छोड़ा, ये तो छोड़ा, तो खाना ही ये तो दुनिया जो इनकी बुराई करने लग जाए वहाँ के ऊपर ईडी सीबी का छापा, वो बिचारो चुप हो जाए, वैसे हो जाए वैसे ना इनके खिलाफ उन्हें तो मारे ही बड़े केस लगा था दूसरे दिन, आ जाए ईडी के नीचे आप लोग उनकी मनमानी है, ईडी वाला कुछ लिखवाता हुए कुछ लिखवा दे, माल बरामद करवाता, माल किन पे कमी ना अपन पे, तेरे पे छापो मारो, मेरे पे कुछ ना निकलो माल, अगर जब मैं फंसाण हुई हूँ तो माल इनके हाथ में बहुत दिखा देंगे भाई, इतना माल बरामद हुआ उसके पास से, चल आपको भूख दीजिए तारीख का, चल पड़ो रे, जो इनके खिलाफ हो वही का दुश्मन है, बोले जो इनके खिलाफ बोले वही का दुश्मन है, वही का दुश्मन होगा। लेकिन हम बात लेकिन ये जब मानते हैं, जब ये अपने जो इनके खुद के बीजेपी के वो कैंडिडेट है उनकी जाँच कराए और उनको जेल भेजे, जब मानते हैं भाई हाँ ये सरकार ने सबके साथ एक साथ करती है, जब माने इस सरकार को क्या अच्छा किया कर दिया इसने बीजेपी ने, ये तो भिड़ा भिड़ा के उनको मारती है पब्लिक को, और इन भाई ये अंग्रेजों वाली नीति है इनकी, फूट डालो और राज राज करो, ये है भाई जाओ, ये है इनकी नीति। लेकिन अब अपन इस क्षेत्र की बात करते हैं अलवर क्षेत्र की, तो अलवर क्षेत्र के अंदर जो लोकसभा क्षेत्र है इसके अंदर दो कैंडिडेट उतारे जिसमें कांग्रेस पार्टी से ललित यादव और बीजेपी से भूपेंद्र यादव, तो आपको क्या लगता है इनके भाई, हम तो ललित को देंगे कांग्रेस वाले को देंगे, बात यह चक्का ही उतार दे कांग्रेस को वोट देने हम, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि जो कांग्रेस अगर जो जीतती है जो कैंडिडेट लोकसभा में जीतता है तो आपकी डिमांड पूरी कर सकता है वो? मत करो अब डिमांड उधर नहीं मचवाएगा वो, कांग्रेस के अधिकार ये काम नहीं जो ये कर रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? वो ये कहना चाह रहे हैं अगर जो डिमांड तो किसी से पूरी नहीं होती ना हुई ना, 70 साल से ये राज चलता हुआ आ रहा है, उससे पहले राजाओं का राज था, उससे पहले अंग्रेजों का राज था, किसी से पूरी नहीं होती, हर पब्लिक की डिमांड हर आदमी की डिमांड किसी से पूरी नहीं होती, लेकिन यह है कि ये बढ़िया बात होती है कि जब इलाके में शांति व्यवस्था से आदमी रहे, उसको कोई चिंता ना रहे, कोई निश्चिंत रहे, हम मान के चलो मैं किसी थोड़ी सी जगह लेकर के किसी अपने बच्चों को पालन कर रहा हूँ और वहाँ में कि भाई अवैध या हटाओ छोड़ो इसको भगाओ इसको, अब उसको भगा कर वो बच्चों को लेकर कहाँ जाएगा, ये तो आप ये तो सोचना चाहिए सरकार को, वो जो आदमी वहाँ पड़ा हुआ है वो कहाँ जाए बच्चों को लेकर, अब कहाँ जाकर के पड़े, बाकी जमीन उनने तो सरकार की जमीन खाली करा दी, बाकी जमीन है भाई जमीन वालों की, भाई मेरी जमीन है या इसकी जमीन है, वो मैं अपनी में नहीं आने दूंगा, ये अपनी में नहीं जाने देगा, तो कहाँ जाएगा फिर, वो रोड पे पट्टी पे या कहाँ डिवाइडर के ऊपर लेटेगा वो। जो आप समस्या बता रहे हैं इस समस्या में कभी आपने विधायक साहब से बात की है? अरे विधायक की बात क्या करे, कानून का सेंटर तो चल रहा है, विधायक क्या चल रही है, हम ये विधायक की क्या चलती है। अच्छा हम बात करते हैं अब आपके गांव की समस्या के बारे में, क्या क्या समस्या है आपके गांव में भाई? ये पानी की बिजली की भाई, ये चाह हम भाई कांग्रेस ने आप थोड़ी कोई दुख ना दे, बात ये अब ये जानना से तो बाकी बिजली की फ्री चल रही है, बाकी कांग्रेस की तो कोई बिजली को बिल ना हारो, अब जानना से बदलिए जानना से वो जुलाऊ करते सबका, तो ये तो थे यहाँ पर ग्रामीण भाइयों का कहना कि भाई हम कौन सी पार्टी के साथ हैं, तमाम जानकारियां मैंने आपको इस वीडियो के तहत दी है। जय हिंद, वंदे मातरम।